नमस्कार। हरियाणा की खास खबरें देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ज्योति। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में अशोक तंवर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अशोक तंवर ने बीजेपी का दामन थामा है और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद रहे। खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीते दिनों आम आदमी पार्टी के नेता जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है अब बीजेपी में आज शामिल हो गए हैं और अपने साथ सैकड़ों समर्थकों को भी बीजेपी में लेकर आए हैं। तो इस दौरान जश्न का माहौल बीजेपी में देखा गया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके स्वागत के दौरान की तस्वीर है, जहां मुख्यमंत्री ने उनका अभिवादन करते हुए स्वागत किया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में भाग लेने के लिए फरीदाबाद पहुंचे, जहां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और देशभर के वैज्ञानिक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में हिस्सेदारी ले रहे हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद गुरुग्राम जिला में एक जिले में 50 एकड़ जमीन में साइंस सिटी बनाई जाएगी। विज्ञान के इस मेले में देश भर से यहां एकत्र हुए हैं और देश भर से आने वाले लोगों में इतनी बड़ी संख्या में लगभग 5,000 से ऊपर संख्या में यहां हम लोग इस 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में उपस्थित हुए। आप सबका हरियाणा की धरती पर, हरियाणा की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। मित्रों, भाई बहनों, हम विज्ञान मेले में आए हैं। विज्ञान के बहुत से पहलू जिस पर हमने चर्चा की कई सत्रों में, विभिन्न प्रकार के हमारे जो यहां विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी बात रखी है, क्योंकि विज्ञान केवल एक प्रदेश का अथवा देश का विषय नहीं होता, बल्कि मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया में विज्ञान की एक श्रृंखला, विज्ञान की एक माला, विज्ञान की समरूपता ये चलती है। विज्ञान आज से नहीं, आदिकाल से और वर्तमान युग तक लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रही है और इस विज्ञान का लाभ हर इंसान को होता है। जब आदि मानव जो शुरू हुआ होगा उसने भी कोई छोटा सा प्रयोग किया होगा, उसका लाभ लेते लेते हम आगे बढ़ गए। विज्ञान एक सीमा नहीं होती है, विज्ञान लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और यह हर व्यक्ति, खास करके जो हमारा युवा है, हमारा विद्यार्थी है, उसकी चूंकि एक क्यूरियोसिटी, उत्सुकता मन में होती है, एक रीजनिंग उसकी एक पावर होती है, रीजनिंग बातों को ढूंढता है, ये हुआ तो कैसे हुआ, कैसे हो गया और कैसे और अच्छा हो सकता है, ये विज्ञान का मूल मंत्र होता है। विज्ञान किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी के दिमाग में नए अनुसंधान आते हैं ऐसा नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति भी कई बार अपनी उत्सुकता से बहुत चीजों को आगे बढ़ा सकता है। और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की जेजेपी और बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि बीजेपी जेजेपी सरकार अब विदेश भेजने वाली एजेंट बन गई है, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हुड्डा साहब को कुछ असर हो गया है, उन्हें अपने आप को दिखाना चाहिए। विज ने कहा कि सरकार विदेश में रोजगार देने के लिए भेज रही है, इसमें क्या गलत है, सरकार इसमें कोई पैसे कमा रही है क्या। विज ने कहा कि इनके राज में हर काम की दलाली होती थी, इसलिए इनके दिमाग में यही बात रहती है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने विपक्ष से आग्रह किया है कि भाजपा की हार तक चैन से न बैठे। इस पर विज ने कहा कि न तुम भाजपा को हरा सकते हो और न ही जिंदगी भर तुम्हें चैन आना है। ना तुम बीजेपी को हरा सकते हो और ना सारी जिंदगी अब तुम्हें चैन आना है। तुमने तो ऐसे बेचैन रहना है क्योंकि तुमने गलत पलड़े में पैर रख लिया। राजीव गांधी ने अगर किया होता और अगर ये मंदिर पहले बन गया होता, ये तो
1947 में जिस दिन देश आजाद हुआ था उसी दिन ये जो गुलामी के निशान थे ये मिटाते नहीं चाहिए थे, क्यों नहीं मिटाए इन्होंने? और पलवल हरियाणा के सहकारिता और जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में आज जिला सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक जगदीश नायर, विधायक प्रवीण डागर समेत जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। और वहीं हरियाणा के सहकारिता और जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की बैठक में 12 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 8 शिकायतों का हल कर दिया गया है, जबकि 4 शिकायतों के संदर्भ में अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज टोटल 12 ग्रेवेंसेज थी, जिसमें से 8 को डिस्पोज ऑफ किया है और 4 को पेंडिंग रखा गया है। और 2 तो बिजली विभाग की थी, जिसकी वजह से काफी पुराने केस होने की वजह से उसमें समय मांगा गया है, तो 4 को पेंडिंग रखा गया। पंचायतों के रिकॉर्ड जलाने का मामला सामने आया, ठेकेदार की पेमेंट नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से उसके लिए हमने कहा अधिकारियों से भी आप बैंक से वेरीफाई करें, अगर उसकी पेमेंट निकली हुई तो उसकी पेमेंट दिलवाएं, रिकवरी करें। और जिस सरपंच ने जलाया या क्या किया उसकी जांच करेंगे, और अगर सरपंच ने जलाया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मैंने आदेश कर दिए। और शनिवार को शहर के विकास नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 1 से 5 वार्ड तक के लोग आमंत्रित किए गए। और कड़ाके की ठंड के बीच भी लोगों का खासा उत्साह इस दौरान देखने को मिला। विधायक घनश्याम सर्राफ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और नागरिकों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की उन्होंने शपथ दिलाई। वहीं यात्रा जो है, विधायक सर्राफ ने इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाई गई स्टॉल पर शुगर, बीपी और एचबी की जांच करवाई। वहीं विधायक ने अपना संदेश देते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों का नागरिकों को उनके घर द्वार पर सीधा लाभ मिल रहा है। लोग जहां एक तरफ विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ चेक और उज्ज्वला योजना से संबंधित स्कीमों का मौके पर ही लाभ उठा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। मैं ये बता रहा हूँ कि अभी आपने जिस दिन से इसकी ग्रेडेशन नीचे की हमारी, उस दिन से हम सफाई की योजनाओं को लेकर आगे बढ़े। तो 22 जनवरी को लेकर क्या किया जाए? 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का, रामलला को विराजमान करने का एक हमारा मंतव्य है, जिसको लेके प्रधानमंत्री वहां जाने का उन्होंने निर्णय किया है। और जब भी भिवानी जिले की तरफ से कोई जाने की बात आएगी तो क्या नाम है? मेरा जी नानू राम नाम है। नानू जी क्या कहना चाहोगे आज आप यहाँ भारतीय संकल्प यात्रा पहुँचे? देखो जी, गवर्नमेंट सुविधा यहाँ पे, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम चला रखी है, हर चीज की सुविधा है, खून टेस्ट होता है, बीपी चेक होता है, हर चीज की दवाई देते हैं और बहुत अच्छी, देख के बड़ा दिल खुश हुआ मोदी जी के भाई संकल्प यात्रा को। हमारा यही है उद्देश्य है कि भाई इसको सफल बनाए और देश को। उदयवीर सिंह एडवोकेट, मैं कहना चाहता हूं जी कि जो मोदी जी सरकार द्वारा जो संकल्प किया गया है, जो सारे भारत में ऐसे गांव-गांव, शहर-शहर में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन किए जा रहे हैं, उनमें से एक कार्यक्रम हरियाणा में भी जो खट्टर सरकार द्वारा और यहाँ संचालित किए जा रहे भिवाणी में, आज हम एमसी कॉलोनी में है, यहाँ पर लोगों को बड़ी सुविधा जैसे। और पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने दावा किया है कि हरियाणा में अगला समय कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। और भुक्कल यहाँ झज्जर में मीडिया से बातचीत कर रही थी, तब उन्होंने कहा कि भाजपा आज विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर गांव गांव जा रही है। इस यात्रा में जनता कम और सरकारी कर्मचारी ज्यादा होते हैं, लेकिन जिस दिन आचार संहिता लगेगी उस दिन इस यात्रा का भी सभी को पता चल जाएगा कि ये यात्रा आम जनता के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र लागू कर
प्रदेश की गठबंधन सरकार ने आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया है और 5 लाख लोगों की पेंशन काटी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से परिवार पहचान पत्र, जिसको कि परमानेंट परेशानी पत्र हम लोग कहेंगे, लोगों की ज्यादातर कितने बुजुर्ग मिले जिनकी पेंशन काटने का काम किया, बीपीएल के कार्ड काटने का काम किया, जो हम 100-100 गज के प्लॉट देते थे 3,84,000 दिए, इस बीजेपी की सरकार ने 1 इंच भी उनको जगह देने का काम नहीं किया। 5 लाख से ज्यादा हमारे बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई, विधवाओं की पेंशन काट दी गई, कितने सारे हमें विकलांग मिले जिनकी पेंशन काट दी गई और उनको दोबारा से जो है सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा है। और आज विकसित भारत यात्रा ये पूरी तरह से जनता की गाड़ी कमाई का सरकारी तरीके से पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। बीजेपी के जो वर्कर हैं वो फील्ड में जाने के लायक नहीं है, क्योंकि आज के समय में बीजेपी जेजेपी से लोगों का पूरी तरह से मोहभंग हो गया है। मैं समझती हूँ विकसित संकल्प भारत यात्रा जो इस समय निकाली जा रही है, ये पूरी तरह से सरकारी अफसर जा रहे हैं। जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उस दिन बीजेपी को पता चल जाएगा कि हरियाणा की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है आने वाला समय। और चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने युवाओं से झूठे वादे किए हैं, बेरोजगार युवा धक्के खाने के लिए मजबूर हैं। और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है सुनिए। युवाओं के साथ बहुत ही सुतीला खराब व्यवहार, एक तरीके से कहें तो दुराचार हरियाणा सरकार ने किया है, बीजेपी सरकार ने किया है। पिछले 9 साल में झूठे वादों के सिवाय युवाओं को हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं दिया। कैट का एग्जाम भी पूरी तरीके से फेल हुआ है, हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी पूरी तरीके से नाकाम रहा है। प्रदेश का 25 लाख युवक दर बदर धक्के खा रहा है रोजगार की तलाश के अंदर, रोजगार उस युवकों को मिल नहीं रहा। प्रदेश के अंदर स्वीकृत पद लगभग 2 लाख के करीब खाली है, जिनकी भर्ती सरकार नहीं कर पा रही है। 71,000 से ज्यादा पोस्ट केवल शिक्षा विभाग के अंदर खाली है, 21,000 से ज्यादा पोस्ट पुलिस विभाग के अंदर खाली है, 9,339 परिवहन विभाग के अंदर खाली है, 5,738 पोस्ट पशुपालन विभाग के अंदर खाली है, 5,073 पोस्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अंदर खाली। और अब खबर नू से है, जहां हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने हरियाणा बीजेपी संगठन का विस्तार करते हुए कई संगठनात्मक नियुक्तियां की हैं, जिसमें मुख्य प्रवक्ता के रूप में जवाहर यादव गुरुग्राम, आईटी प्रमुख आदित्य इमरानगर, आईटी सह प्रमुख रोहित सैनी गुरुग्राम, किसान मोर्चा सुखविंदर मांडी दादरी, युवा मोर्चा योगेंद्र शर्मा पंचकूला और एससी मोर्चा सत्यप्रकाश जरावता विधायक गुरुग्राम, महिला मोर्चा उषा प्रियदर्शी गुरुग्राम, ओबीसी मोर्चा कर्णदेव कंबोज यमुनानगर, अल्पसंख्यक मोर्चा के जॉन मोहम्मद नूह को नियुक्त किया गया है। और फरीदाबाद में हरियाणा सरकार के आदेश पर अगस्त 2015 से पूरे प्रदेश में महिला थाने खोले गए, ताकि महिलाएं अपने साथ हो रहे अत्याचार को महिला पुलिस के सामने खुलकर रख सके और महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर रोक लगाई जा सके। वहीं बल्लभगढ़ से भी इसी तरह महिला थाने खोले गए हैं और थाना प्रभारी का इस मामले में कहना है कि सभी महिला शिकायतकर्ताओं के साथ सही व्यवहार किया जाता है। वहीं लोगों का इस मामले में कहना है कि दूसरे थानों के मुकाबले बल्लभगढ़ के महिला थाने में पुलिस का व्यवहार काफी अच्छा और फ्रेंडली है। पुलिस आराम से महिलाओं की शिकायतों को सुनती है और समस्या का समाधान भी किया जाता है। देखिए, हमारे डीजी साहब के आदेश अनुसार, एसपी साहब के आदेश अनुसार, एसीपी डीसीपी साहब के आदेश अनुसार हमारे फरीदाबाद में टोटल 3 महिला थाने हैं और प्रत्येक महिला थाने में मीडिएशन सेल बनी हुई होती है।
हमारे जो यहाँ पे मीडिएशन सेल है महिला थाना बल्लभगढ़ में, उसमें टोटल कुल परिवाद 879 प्राप्त हुई है, जिसमें से 656 परिवादों पर हमने अपने सीनियर अधिकारी के आदेश अनुसार घर बसवाए हैं। और मीडिएशन का प्रोसेस होता है कि सबसे पहले कंप्लेंट आती है हमारे पास, कंप्लेंट आने पर परिवादी को हम एक स्लिप देते हैं, स्लिप नंबर, उसके बाद हम मीडिएशन के लिए दोनों पार्टियों को सूचना पत्र देके मीडिएशन के लिए बुलाते हैं। दोनों परिवादी और प्रतिवादी पक्ष दोनों को बैठाकर उनकी जो भी उसकी जो भी दिक्कत होती है उन दिक्कतों को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। और हमारे एफर्ट्स होते हैं कि हदिक से हदिक घर बसाए जाए और न कि घर तोड़े जाए, घर ज्यादा से ज्यादा जोड़े जाए। और ऑल स्टाफ को भी सीनियर अधिकारी की तरफ से यही हिदायत है कि जहां पर शादीशुदा जीवन आता है वहां अधिक से अधिक प्रयास करके उनका वैवाहिक जीवन चलाना है और उनका घर बसाना है। और पलवल होटल में नेशनल हाईवे नंबर 19 पर स्थित हरियाणा टूरिज्म डबचिक से यूपी पुलिस के नामी अपराधी को एक महिला मित्र स्कूटी पर बैठाकर भगा ले गई और पुलिस देखती रह गई। यह आरोपी पुलिस से उस समय भागा जब यूपी की पुलिस आरोपी को मथुरा जेल से जिला पलवल के हसनपुर थाने के दर्ज एक मामले में पेश करने के लिए होडल की अदालत में लेकर जा आई थी। वहीं होडल थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस के मथुरा जेल में बंद होडल के गांव भिड़ूकी निवासी आरोपी अनिल उर्फ ट्यूनकल यूपी के जिला मथुरा की जेल में कई मामलों में बंद है, जिसको यूपी पुलिस जेल से होडल की अदालत में हसनपुर थाने के 307 के एक मामले में पेश करने के लिए लेकर आई थी और अदालत में पेश करने के बाद से वापस मथुरा लेकर जा रही थी, जिसमें यूपी पुलिस के 3 कर्मचारी भी उस दौरान मौजूद थे। हमारे पास एक लिखित दरखास्त सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार पुलिस लाइन मथुरा ने आकर पेश की है कि उनके 3 जवान ज्ञान सिंह हौलदार, कांस्टेबल दिलीप और कांस्टेबल विवेकानंद, एक आरोपी है अनिल उर्फ श्रेंकर पुत्र हरबीर भिड़ूगी गांव का, उसको अपने एडीजीपी साहब के माननीय न्यायालय में पेश करने के लिए आए थे हम। और इनसे डबचिक से ये आरोपी फरार हो गया, उस पर हमने मामला दर्ज कर लिया। तो सर जो फरार हुआ है आरोपी, उस पर कितने मामले दर्ज हैं यूपी और अपने यहाँ पर हरियाणा? यूपी और हमारे 8 से 10 मुकदमे उस पर दर्ज है, जिनमें गिरफ्तार चल रहा है। और हरियाणा में 29 जनवरी से इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। फिलहाल पानीपत और यमुनानगर से इन बसों की शुरुआत होगी और रोडवेज ने 375 बसें चलाने का निर्णय लिया है। इनमें से 29 जनवरी को 5 बसों का संचालन शुरू हो जाएगा, बाकी 370 बसें अप्रैल तक प्रदेश में आ जाएंगी और 2030 तक सभी बसें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों को फिलहाल जिला मुख्यालय से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक चलाया जाएगा और इसके लिए रूट भी जिला वाइज तय कर दिया गया है। साथ ही दूसरे जिलों में भी बसों को चलाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं रोडवेज की ओर से 2030 तक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की योजना बनाई गई है। देखिए इसके लिए जो पिछले लास्ट वीक विजिट किया था उसमें 3 इश्यू आए थे। एक था भी बसों की वॉशिंग का, वो उनका था डिमांड की कंपनी की 5000 हमने केएल का टैंक खरीद लिया था, 5 केएल का, तो उसमें वो सारा इंस्टॉल कर दिया है, कनेक्शन प्रॉपर कर दिए हैं। और सेकंड था उनका ड्रेनेज का, वो ड्रेनेज प्रॉपर हमने करा दी है। तीसरा था जो इनका था 280 किलोवाट का कनेक्शन, वो हमने देखिए आप वो उधर ट्रांसफर लगवा दिया गया है प्रॉपर तरीके से, उसका काम चल रहा है, ये इसकी वायरिंग पूरी कर देंगे शायद कल तक। तो उसके बाद साथ साथ ही हमारा जो बस चार्जिंग का स्टेशन वो भी तैयार हो जाएगा, तो वो इसको पूरा इंस्टॉल कर देंगे कल तक। तो एक साथ में कितने स्टेशन, कितनी बसें चार्ज हो सकती है? देखिए 10 से 12 के बीच में बसें चार्जिंग का जो प्लान है, बाकी इसको एक्सटेंड या वो तो हो जाएगा बाद में। तो कितना समय लगने वाला है? देखिए ये हमारी कोशिश है कि संडे तक इसको पूरा तैयार कर लें,
जो ट्रांसफार्मर का काम वो भी पूरा हो जाएगा और चार्जिंग स्टेशन का काम भी पूरा हो जाएगा। और जहाँ तक रूट की बात भी हमने ऑलमोस्ट फाइनल कर ली है, उसमें किराया भी फिट कर देंगे और ताकि ये टिकटिंग मशीनों में ताकि प्रॉपर वो उसका आराम किया जा सके। किस किस रूट पर सर फायदा होने वाला? देखिए ये तो बेसिकली सिटी सर्विस के लिए रहेगा पहले, तो उसमें जैसे हम जगाधरी खड़े हैं अभी, जगाधरी यही बस चार्जिंग रहेगी, जगाधरी से जाएगी आपकी मिनी सेक्रेट होते हुए आपकी इमरान बस स्टैंड, वहाँ से रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से वापस आपका फवारा चौक से होते हुए अग्रसेन चौक और वापस जगाधरी आ जाएगी। उसी रोटेशन में हमारी बसें चलती रहेंगी। हमारी कोशिश है कि करीबन 30 मिनट के आसपास फ्रिक्वेंसी दें, हर इस रूट पर बस चलती रहे। और अब खबर गोला चीका से है, जहां चीका शहर के वार्ड 17 में आगजनी की घटना सामने आई है और यहां कल्लर माजला गांव के बागड़ी लुहारों के एक परिवार की झोपड़ी में अचानक आग लग गई और झोपड़ी जलकर राख हो गई। दरअसल पीड़ित परिवार ने ठंड से बचने के लिए आग जला रखी थी और उसी दौरान रात को उनके कपड़ों ने आग पकड़ ली, जिसमें उनकी झोपड़ी जलकर राख हो गई। हादसे के बाद से नेकी का घर संस्था के कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार की सहायता की। तो अपना पैसे भी थे, उस पे सब जल गए जी, गैस सिलेंडर सब जल गया जी, हमारे पास कुछ नहीं बचा जी, राशन पानी तक नहीं रहा जी हमारे पास। ठंड बहुत ज्यादा है, हमारा कैसे गुजारा होगा जी, ऐसे हम ठंड में पड़े हैं, हम क्या करें, तो कपड़ा लत्ता भी सब जल गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। आज कुछ मार्केट से कुछ संस्थाएं आई आपको, उन्होंने कैसी हेल्प की आपकी? हमारी बहुत अच्छी हेल्प की है, सब कुछ देकर गए हैं, कपड़ा कुपड़ा सब देकर गए हैं, राशन पानी सब दिया है, और भी देकर जा रहे हैं जी। और ये ने की है उसको बेचारे को हमारी बहुत मदद की है जी, सब कुछ देकर गया है, हमारी बहुत मदद है जी। चाचा साहब सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी हमारे संस्था के सभी पदाधिकारी आए हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और आज हम जो सेवाएं दी हैं हुकुम जी ने बता ही दिया, और हमारे साथ ही डॉक्टर सुशीला शर्मा जी ने भी साथ में सेवाएं दी हैं, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सभी से एक निवेदन करते हैं कि सब ज्यादा से ज्यादा इनकी मदद करें। नेकी अगर संस्था की तरफ से किस तरह की सहायता दी गई है? नेकी अगर संस्था की तरफ से हम रजाई लेके आए हैं, कंबल लेके आए हैं, और भी वस्त्र हैं, जो जुराबे हैं, टोपियां हैं, और एक तरपाल भी इनको दी जाएगी जो जल गई है पूरी तरह से, वो भी हम लेके आ रहे हैं जल्दी। और झज्जर के गांव किरदौड़ में के पास एक अनियंत्रित ट्रोला पेड़ से टकराकर जा पलट गया और हादसे में ट्रोला चालक की मौत भी हो गई। वहीं पुलिस के अनुसार नरेश झज्जर से अपने गांव के लिए रवाना हो रहा था ट्रोला लेकर, यहां गांव किरदौड़ में के पास ट्रोला अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद से पलट गया। वहीं हादसे में गंभीर चोटों के चलते नरेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद से शव को परिजनों के हवाले कर दिया। ये नरेश था दुलीचंद का, समसपुर माजरा का। इसके पास एक ट्राला था, ट्राला लेके आ रहा था झज्जर, अपने गांव जा रहा था समसपुर माजरा किरडोद के पास, मोड़ के ऊपर गाड़ी अनबैलेंस होने के कारण इसकी गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिससे गाड़ी पलट गई और इसकी चोट लगने के कारण मौत हो गई। पोस्टमार्टम करा दिया, इसका पोस्टमार्टम अभी डॉक्टर साहब को डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं जारी। कहाँ से कहाँ जा रहा था ये? झज्जर से और अपने गाँव जा रहा था। उम्र कितनी? ये हमारे पास सूचना आज सुबह 6:30 बजे के करीब आई। कितनी उम्र थी इसकी? 52 साल उम्र है जी। मौके पे डेथ होगी? हाँ, इसकी मौके पे डेथ होगी। तो हरियाणा की खास खबरें देख रहे थे आप, खबरों में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।